नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला कल आयरलैंड के साथ है और उससे पहले फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही, क्योंकि भारत अपने कैंपेन की शुरुआत जो है आयरलैंड के खिलाफ करेगा। पर उससे पहले कई सारे लोगों के मन में सवाल है कि भारत की प्लेइंग 11 कैसी होगी। क्या यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे या फिर विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा क्या शिवम दुबे होंगे, यूजी चहल होंगे या फिर कैसा होगा पूरा कॉम्बिनेशन, उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। और अब इसी बीच सुनील गावस्कर ने यहां पर बता दी है कि कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11 और उनकी इस टीम में जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप सुनकर चौंक भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपनी अलग ही टीम बनाई। शायद आप उस चीज से इत्तेफाक ना रखें, क्योंकि इस टीम में बड़े सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस टीम में हो सकते थे और शायद आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आपको बताते कि सुनील गावस्कर ने अपनी टीम में किस किस को जगह दी, उनके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से भारत की प्लेइंग 11 होगी। उनके हिसाब से रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ओपनिंग करेंगे और यशस्वी जायसवाल को उन्होंने 3 नंबर पर जगह दी है, सूर्य कुमार 4 और ऋषभ पंत। संजू सैमसन से पहले यहां पर ऋषभ पंत को उन्होंने तवज्जो देते हुए प्लेइंग 11 में जगह दी है। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, उसके बाद शिवम दुबे को यहां पर सुनील गावस्कर जी ने रखा है। शिवम दुबे ने आप सभी को बता दें कि अभ्यास मैच में गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए थे पर बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और सुनील गावस्कर की टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। नो अर्शदीप सिंह, नो अक्षर पटेल, नो यूजी चहल। यूजी चहल यहां पर बड़ा एक सेटबैक है और साथ के साथ ही यशस्वी जायसवाल को उन्होंने खिलाया है और शिवम दुबे को भी उन्होंने अपनी टीम में जगह दी है। पर यूजी चहल, क्योंकि यूजी चहल आप सभी को बता दें कि जी प्रैक्टिस मैच में भी उनको मौका नहीं दिया गया और बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट है कि यूजी चहल जैसे खिलाड़ी को भारतीय टीम उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। आप सभी को बता दें, आप सभी बहुत ज़्यादा हैरान होंगे इस बात से जो मैं अब कहने जा रहा हूँ कि यूजी चहल पिछले काफ़ी समय से भारतीय टीम के साथ खेल रहे पर आज तक टी20 वर्ल्ड कप के किसी भी मुकाबले में उनको खेलने का मौका नहीं मिला। ये दूसरी बार है वो टी20 वर्ल्ड कप की टीम में है पर आज तक उनको एक मुकाबला भी खेलते हुए नहीं देखा गया टी20 वर्ल्ड कप में। वो गए वहां पर ड्रेसिंग रूम में चाय पानी पिलाते रहे पर उनको खिलाया नहीं गया और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अभ्यास मैच में इस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया था तो ऐसा लग रहा है कि यूजी चहल फर्स्ट प्लेइंग 11 में आप सभी को खेलते हुए नहीं दिखेंगे और सुनील गावस्कर ने भी यहां पर यूजी चहल को जगह नहीं दी। और साथ में अर्शदीप सिंह जो वन ऑफ दी मैं कहूंगा कि बेस्ट ऑप्शन एंड कंपेयर टू सिराज, बट यहां पर सिराज को उन्होंने तवज्जो देते हुए अर्शदीप सिंह को जगह नहीं दी। और अगर ऐसा होता है भारतीय टीम में, अगर कुछ इसी तरीके से होगा तो थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ सकती है, क्योंकि इस टीम में और भी सुधार की गुंजाइश है ऐसा मुझे लगता है। पर मैंने आपको यहां पर सुनील गावस्कर की टीम बताई, आप सभी के हिसाब से कैसी होनी चाहिए, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, आप लोग भी बेझिझक बताएं, क्योंकि इस बार टी20 वर्ल्ड कप हमें जीतना है और क्या पता आप सभी की बात भी रोहित शर्मा और हमारे कोच राहुल द्रविड़ के कानों तक पहुंच जाए, वो भी इस बात कोई गलती ना करे। मेरे साथ इस वक्त बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज रूम पोस्ट।